आरिफ भाई हमारे साथ है आणि पोतनीस सर तर आहेतच. आरिफ भाई, आप इतने साल से जो भी क्रिकेट के आयोजन टूर्नामेंट्स, तो कैसे लगता है कि आप किस तरह से ये सारे टूर्नामेंट्स को अप्रोच करते हो जब कोई ऑर्गेनाइज करने जाते हैं? एक्चुअली मैं तो सुप्रीमो से ही कुछ सीख के ही मैंने 10PL की शुरुआत की दुबई में. बेसिकली जब मैं 3 साल पहले यहाँ आया और जिस तरीके से मैंने सुप्रीमो को देखा, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइक मिस्टर संजय पोर्टनिस जिनकी हॉस्पिटेलिटी आज भी मैंने देखी, और मैं काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ कि इतने बड़े इवेंट में वो हर किसी को पर्सनल अटेंशन देते, दिस इज़ समथिंग बिग. एंड दूसरी चीज़ जो टेनिस वर्ल्ड के लिए उन्होंने किया है, शायद मेरे को नहीं लगता है कि चाहे इधर हो चाहे मिडिल ईस्ट में हो, द प्लेटफॉर्म उन्होंने जो क्रिएट किया है जिसको टेनिस वर्ल्ड ने वैल्यू करना चाहिए. और मैं आने वाले दिनों में ये देख रहा हूँ, और जो मेरी सोच है, मैं भी इनसे यही कह रहा था कि इनके पास पावर भी और कैपेसिटी भी है कि टेनिस वर्ल्ड के उनको भी हम एक आईपीएल टाइप क्रिएट करें जिधर टीम इंडिया से और ओवरसीज से आए और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए जिसके अंदर प्लेयर्स वैल्यू करे और रिस्पेक्ट करे इस प्लेटफॉर्म को, और ये भी एक रोजी रोटी का जरिया बन जाए. क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कॉर्पोरेट्स विल बी इंटरेस्टेड अगर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, एंड आई एम श्योर अंडर मिस्टर संजय पोर्टनिस दिस कैन बी ए बिगर प्लेटफॉर्म. और मुझे आ रहा था आज, मैं वॉशरूम के अंदर यही सोच रहा था कि जब IPL आज भी किधर भी नाम लिया जाता है तो ललित मोदी का नाम लिया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जब टेनिस के अंदर रिवोल्यूशन की बात हो तो मिस्टर संजय पोर्टनिस का नाम ऑन फर्स्ट पेज होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. सो थैंक यू सो मच आरिफ भाई फॉर युअर काइंड वर्ड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आणि जसं आता सरांनी सांगितलं की म्हणजे जसं IPLचं आपण नाव घेतो तेव्हा ललित मोदी यांचं नाव होतं, तसं जर टेनिस क्रिकेटचं नाव घेतलं जाईल तर श्री संजय पोतनीस.